हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। नए नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, ये है NIT जमशेदपुर, जहाँ पे PhD का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो भी 123 सीट पे और विथ फेलोशिप के साथ जारी हुआ है जुलाई सेशन के लिए। तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे। वीडियो के साथ बने रहिए ताकि कोई भी डाउट आपका ना रहे, सब डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि कोई आपको बाद में क्वेश्चन बचे नहीं। तो देखिए नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जमशेदपुर का नोटिफिकेशन है, 22 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जमशेदपुर, जहाँ पे PhD का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये भी जो NIT है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की है और ये इंस्टीट्यूशन है, और इन्वाइट किया जाता है अप्लीकेशन फॉर फुल टाइम के लिए और पार्ट टाइम के लिए। फुल टाइम दिया है यहाँ पे, तो किन किन टाइप से PhD निकला है वो भी देख लीजिए यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो टाइप ऑफ PhD प्रोग्राम है वो इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर फुल टाइम निकला हुआ है, स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर के लिए फुल टाइम निकला हुआ है, और सेल्फ फाइनेंस रिसर्च स्कॉलर के लिए निकला हुआ है, सेल्फ फाइनेंस रिसर्च स्कॉलर पार्ट टाइम निकला हुआ है, और फैकल्टी स्टाफ स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है फेलो NIT जमशेदपुर में, उसके तहत यहाँ पे PhD निकला हुआ है पार्ट टाइम के लिए। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो देखिए 13 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो गया है और 6 मई तक चलेगा, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देख लीजिए आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। किन को 1000 रुपया देना पड़ेगा यहाँ पे? तो जो ओपन में है, OBC और EWS में है, उनको 1000 रुपया अप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे, और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनको 500 रुपया देना पड़ेगा यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी, और नॉन इंडियन है उनको भी 1000 रुपया लगेगा यहाँ पे। और लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट की बात कीजिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कितना सीट निकला हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सीट दिया हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको 16 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में आपको 13 सीटें निकला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपको 14 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 22 सीटें हैं। इसके अलावा मेटालर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 12 सीटें हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 9 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 8 है, और ह्यूमनिटीज़ सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं, और ये जो 2 सीटें हैं मैनेजमेंट में हैं, और फिजिक्स मैथमेटिक्स में 3 सीटें हैं यहाँ पे, और फिजिक्स में भी 3 सीटें हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी में 9 सीटें हैं। टोटल आपको यहाँ पे 123 सीटें निकला हुआ है, PhD का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आपको यहाँ पर आपका होना चाहिए। और मास्टर डिग्री में आपको जो ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस में है वो तो मैनेजमेंट में निकला हुआ है, तो मैनेजमेंट में आपको BBA BCom और BA इंग्लिश में होना चाहिए। योगा में है तो निकला हुआ है, तो योगा में आपको होना चाहिए। और जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पर चले जाइए, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो मैंने बताया है यही वहाँ पर अवेलेबल है, और अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर दे सकती है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो यहाँ तक आप देख लिए हैं, तो आप PhD में बहुत ही इंटरेस्टेड है तो एक काम कीजिए, इसको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ये
व्हाट्सएप में और जो ये ट्विटर में और टेलीग्राम में जहाँ भी हो सके आप इसको शेयर कर दें, ताकि जो भी ये अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के अपडेट के साथ, तब तक आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज।